नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास नाइन्थ का विज्ञान का प्रैक्टिकल के बारे में हम बात करेंगे आज कि प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे बनाएं। आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल का कॉपी है। विज्ञान में आपका आता है भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, और ये आपका जो है विज्ञान का बुक है। देख सकते हैं जो प्रायोगिक पुस्तक का बुक है, जो कि आपका प्रैक्टिकल का बुक आप इसे बोल सकते हैं। और ये आपका सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है, कॉपी है, और ये आपका सामाजिक विज्ञान का जो है प्रायोगिक पुस्तक है। तो आपको हम इस वीडियो में सिर्फ विज्ञान यानी साइंस प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, दूसरे वीडियो में आपको हम सामाजिक विज्ञान बताएंगे। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपका जो है नंबर की। तो नंबर के हम अगर बात करें तो आपको बता दें कि विज्ञान में जो है आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका 40 नंबर का होता है, तो साइंस में हो गया आपका 20 नंबर का, सोशल साइंस आपका हो गया 20 नंबर का। तो देखिए इसमें क्या होता है कि भौतिकी में आपका हो जाता है 2 नंबर का आपका प्रैक्टिकल कॉपी में मिलता है, और 4 नंबर का आपका एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, और 1 वाइवा मिलता है। टोटल आपको जो है 20 नंबर का होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू से बात करते हैं हम। ये आपका प्रैक्टिकल का कॉपी है, अब आपको कैसे बनाना है अब हम बताते हैं। सबसे पहले हम पेज पलटे हैं। इसमें क्या है आपका कि विज्ञान प्रायोगिक पुस्तक, यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, यहाँ आपको विद्यालय का नाम लिखना है, और यहाँ वर्ग और रोल नंबर और खंड लिखना है। दूसरे पेज में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको विद्यालय का नाम, ठीक है, छात्र छात्रा, यहाँ वर्ग और सेक्शन आपको लिख देना है। क्या है सेक्शन? 2022 आपको लिखना है। रोल कोड लिखना है, क्रमांक लिखना है, यहाँ अध्यापक का हस्ताक्षर होगा, यहाँ दिनांक लिखना है, यहाँ प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका भौतिकी, देखिए प्रयोग सूची में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये आपका जो है प्रैक्टिकल का दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका जो है रोल नंबर जो है आपको दिया हुआ है कि किस हिसाब से आपको जो है कितना नंबर किस में मिलेगा। उसके बाद है भौतिकी, यहाँ देख रहे हैं आपका स्टार्ट हो जा रहा है, भौतिकी पेज आपका स्टार्ट हो रहा है। भौतिकी के बाद आपका जो है यहाँ पर देखेंगे, इस पेज में आपको ये लिखा रहेगा, यहाँ पर पहला जो है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट है, कमेंदार तुला एवं मापक बेलन का उपयोग करके किसी ठोस जल के घनत्व मान ज्ञात करना है। पेज नंबर यानी कि जो अब यहाँ प्रयोग संख्या आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, और ये पेज नंबर आपका क्या है 9 है। तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 9 भरना है, किस डेट में किए हैं डेट भरना है, यहाँ टीचर का सिग्नेचर होगा, कितना नंबर इसमें आपको मिलेगा वो टीचर देंगे आपको। ये दूसरा प्रैक्टिकल हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्रयोग नाम लिखा हुआ है, प्रयोग नाम आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रयोग नाम में आपको क्या करना है, अब यहाँ आप देख लीजिए प्रयोग नाम है आपका दिया हुआ है, आवश्यक उपकरण लिखना है, यहाँ पे आपको आवश्यक उपकरण लिखना है। तो देखिए ये आपका किताब है प्रैक्टिकल का, इसमें आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, आपको क्या करना है, ये किताब जो है खरीदना होगा दोनों। प्रयोगशाला संख्या जो होता है आपका, प्रयोग संख्या 1 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रयोग कमेंदार तुला दिया हुआ है। आवश्यक उपकरण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आवश्यक उपकरण यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यही आवश्यक उपकरण जो है आपको यहाँ पर आवश्यक उपकरण के जगह पर लिखना है, इस आवश्यक उपकरण के जगह पर आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए इसमें सिद्धांत दिया हुआ है, सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है आपको इस सिद्धांत के जगह पे लिखना है। उसके बाद आपका है यहाँ पे प्रयोग विधि, तो ये ही प्रयोग विधि जो है आपको यहाँ पे किताब में दिया हुआ है लिखना है। उसके बाद ये आपका फिगर देख रहे हैं, फिगर जो है आपको क्या करना है बताते हैं, फिगर क्या कीजिए, कॉपी का जो है पेज देखिए, पेज नंबर 10 आ गया, यहाँ आप देखिए व्हाइट पेज है आपका, ये प्लेन है, इसमें क्या करना है आपको, ये फिगर जो आपको हम दिखाए हैं, फिगर आपको जो है इसमें बना देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ दिया है। उसके बाद से कि प्रेक्षण एवं गणना, प्रेक्षण एवं गणना जो है यहाँ देखिए दिया है, प्रेक्षण एवं गणना, ये चीज़ आपको जो है यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है आपका इसमें देखिए किताब में दिया है परिणाम निष्कर्ष, देखिए अगला पेज जो हम चेंज करेंगे, अगला पेज जो है हमारा देखिए यहाँ दिया है परिणाम और निष्कर्ष, यानी कि रिजल्ट क्या आया,
ये चीज़ आपको इसमें लिखना है। उसके बाद है सावधानियाँ, तो यहाँ देखिए कॉपी में आपका जो है सावधानियाँ है, आप देखें। उसके बाद आपका प्रयोग संख्या दो चालू हो गया। अब नीचे देखिए, यहाँ पर आ गया आपका प्रयोग संख्या दो, भौतिकी के बारे में ही अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ प्रयोग का नाम दिया है आवश्यक उपकरण लिखना है। तो यहाँ देखिए प्रयोग का नाम है आवश्यक उपकरण, यहाँ पे दिया हुआ है। दो ठोस वस्तु लेंगे, पत्थर का टुकड़ा लेंगे, मापक बेलन का, ठीक है। तो ये आपको आवश्यक उपकरण लिखना है। उसके बाद आपका सिद्धांत है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ देखिए सिद्धांत दिया हुआ है, सिद्धांत को आपको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो सिद्धांत लिखने के बाद आपको दिया है प्रयोग विधि, ठीक है। यहाँ देखिए प्रयोग विधि आपका है यहाँ पे, तो प्रयोग विधि यहाँ पे देखिए किताब में दिया हुआ है, ऐसे ही आपको प्रयोग विधि यहाँ लिखना है। फिर है आपका प्रेक्षण एवं गणना, ठीक इसी तरह सब में है। देखिए प्रेक्षण एवं गणना यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका किताब में देखिए क्या दिया है, उसके बाद यहाँ दिया है परिणाम निष्कर्ष रिजल्ट और सावधानियाँ। तो अगले पेज पर आपका जो है रिजल्ट और सावधानियाँ होगा। देखिए यहाँ पे है रिजल्ट और सावधानियाँ। तो ये दोस्तों रहा आपका भौतिकी का, ठीक इसी तरह से आपको हम देखिए दिखाते हैं। अब इसी तरह से पेज पलटते जाएंगे, प्रयोग संख्या तीन है आपका, ये तीन के बाद देखिए ये आपका जो है इसमें सब में उसी तरह से है। ये प्रयोग संख्या आप चार बनाएं तो चार भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री, देखिए यहाँ पे आप केमिस्ट्री आ जाएगा। इसी में एक ही कॉपी खरीदना होगा आपको, एक ही कॉपी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। इसमें भी आपको यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट जो है तीन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर प्रयोग का नाम दिया है जल में नमक का घुलनशील ज्ञात करना है। आवश्यक उपकरण क्या लगेगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसमें देखिए केमिस्ट्री जब आएगा, देखिए यहाँ पे रसायन आ गया, प्रयोग संख्या एक जल में नमक घुलनशील ज्ञात करें। आवश्यक उपकरण क्या चाहिए, एक बीकर, मापक सिलेंडर, कांच की एक छड़, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है आपका आवश्यक उपकरण रासायनिक पदार्थ, यहाँ देखिए रासायनिक पदार्थ क्या है, साधारण नमक, वो आपको लिखना है। उसके बाद सिद्धांत है यहाँ पे, यहाँ देखिए आप किताब में सिद्धांत दिया हुआ है, ये सिद्धांत आपको लिखना है। फिर है प्रयोग विधि, प्रयोग विधि यहाँ पर आपको इसमें से लिखना है। और सावधानियाँ देखिए यहाँ पे सावधानियाँ लिख दिया हुआ है। और आप अब आइए आप प्रयोग विधि दो, यहाँ देखिए प्रयोग विधि दो है बालू नमक, यहाँ देखिए इसमें भी है बालू नमक, ठीक है। आवश्यक उपकरण रासायनिक पदार्थ, यहाँ देखिए आवश्यक उपकरण और उसके बाद सिद्धांत, तो इसमें है आपका सिद्धांत, प्रयोग विधि, प्रयोग विधि है यहाँ पर। और फिगर जो है आप हमेशा ध्यान रखेंगे प्लेन वाले पेज पर फिगर आप बनाएंगे इस पेज पर, ठीक है। उसके बाद आपको रिजल्ट और सावधानियां भरना है। तो देखिए दूसरा जो है आपका वैसे ही आ जाएगा, इसमें रिजल्ट और सावधानियां मिल जाएगा, आपको भर देना है। प्रयोग संख्या तीन ऐसे ही करेंगे, तीन चार, ठीक है, तीन चार आप ऐसे बना सकते हैं, तीन तीन बनाइए बहुत है। उसके बाद आपका आ जाएगा बायोलॉजी, देखिए ये जीव विज्ञान, तो बायोलॉजी आ जाएगा। फिर हम बायोलॉजी का पेज देखिए चेंज किए हैं, देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, पेज नंबर डेट आप लिख दीजिए, टीचर सिग्नेचर आपका होगा। यहाँ देखिए प्रयोग का नाम लिखा हुआ है, आवश्यक उपकरण सामग्री सिद्धांत प्रयोग विधि। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे ही पेज चेंज करेंगे हमारा इसमें बायोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान आ गया, प्रयोग संख्या एक, यहाँ मानव कपोल, यहाँ पर इसमें भी वही होगा मानव कपोल, ठीक है, यानी कि गाल। तो देख सकते हैं यहाँ पे आवश्यक उपकरण यहाँ पे दिया हुआ, देखिए क्या चाहिए, स्लाइड, कवर, स्लीड, टूथपिक, ब्रश, सुई, ठीक है, यहाँ पे आपका आवश्यक जो है उपकरण चाहिए। और सिद्धांत यहाँ लिख रहे हैं आपको, सिद्धांत यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये सिद्धांत के जगह पे लिखिए। फिर प्रयोग विधि, फिगर है तो फिगर आप नेक्स्ट पेज पर बनाइए, ठीक है। उसके बाद है परीक्षण सावधानियाँ, इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे परीक्षण और सावधानियाँ, ये चीज़ आपके उसके बाद से प्रयोग टू चालू हो जाएगा आपका, आपके कॉपी में भी प्रयोग टू जो है चालू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिकल का कॉपी जो है बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको समझ में आ गया है ये प्रैक्टिकल के कॉपी की कैसे बनाएं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का बताएंगे। दोस्तों यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास ताकि आपके दोस्त भी बना सके। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।